वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। राहुल जी ने हाल में 2-3 दिन पहले ये कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है, तो मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि अंतर ये है कि हम जो हिंदू धर्म पर विश्वास रखते हैं, हम 100% भारतीय हैं। हम सारे जो इस देश के बाशिंदे हैं, हम उनको भारतीय समझते हैं, और चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय, और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं, और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं, और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से, और उनका बस एक कर्तव्य बनता है कि जो पथ पर हम निकले हुए हैं उसी पथ पर वो भी निकले। इस जो भारत की विविधता है वो शायद जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा और किसी ने नहीं समझा। उनको पता था कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक नस्ल हैं, अनेक रंग के लोग हैं, अनेक बोल बोलते हैं, अनेक किस्म की साहित्य है, अनेक किस्म की कविता है, अनेक किस्म के गाना है, अनेक किस्म की मौसीकी है। What is the difference between Hinduism as we know it and Hindutva? Are they the same thing? Can they be the same thing? If they are the same thing, why don't they have the same name? They're obviously different things. Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a clown? In which book is this written? I have not seen it. I've read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? So these are the type of things we have to discuss. And these are the type of things that we have to spread among ourselves. And once we start to spread it and effectively amongst ourselves, we will find it will automatically start to spread among others.